ये मेबलिन का ये जंगल पैलेट है। ये एक छोटा सा ब्लैक एंड ग्रीन एंड शिमरी शेड का पैलेट है। तो फर्स्ट लुक मैं जो इससे क्रिएट करूंगी, ऑब्वियसली ब्लैक है तो स्मोकी आई लुक मैं क्रिएट करूंगी। ये विद अ स्मोकी ग्रीनिश काइंड ऑफ आई लुक है जो मैं इससे फर्स्ट क्रिएट करूंगी। सबसे पहला शेड है जो मैं ये वाला शेड यूज करूंगी। ये एक ग्रीनिश एंड ब्लैकिश अंडरटोन का कलर है। इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर ऑफ माई आई है, यहाँ से शुरू करके मैं इनर आई लिड तक ले जाऊंगी। बहुत ही हल्के हाथों से मैं ये ब्रश को पकड़ी हूँ एंड बहुत कम ही कलर डिपॉजिट कर की हूँ मैं ओवरऑल। अगेन सेम ही प्रोसेस में मैं यहाँ आउटर वी से इनर वी तक कलर को लेके जाऊँ। मैं सेम फ्लफी ब्रश से पिकअप करूंगी एंड उसको टैप करके जो आउटर वी कॉर्नर पे है यहाँ पे हैवी हाथों से डिपॉजिट करूंगी एंड उसको अंदर की तरफ लाऊंगी। सेम थोड़ा थोड़ा कलर एट ए टाइम पिकअप करेंगे क्योंकि नहीं तो वो कलर पैची हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कलर पिकअप करके इसको अंदर की तरफ राउंड मोशन पे ड्रॉ करेंगे। सी दोनों आईज पे ही मैं आउटर कॉर्नर पे लाइट शिमरी जो ग्रीनिश कलर था उसको मैंने डिपॉजिट किया है एंड इनर लोअर देन दैट लाइन मैं अपने ब्लैक शेड को डिपॉजिट की हूँ। नेक्स्ट मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से ये जो कलर है ये वाला ग्रीनिश कलर शिमरी इसको मैं पिकअप करूंगी एंड अगेन इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज पे डिपॉजिट करूंगी। फॉलोइंग माई नेचुरल क्रीज लाइन, ये मेरा नेचुरल क्रीज लाइन है। इंटेंसिफाइंग दैट क्रीज लाइन मैं इस कलर को डिपॉजिट करूंगी। जस्ट डिपॉजिट कर रही हूँ एंड ड्रॉ कर रही हूँ, आई एम नॉट ब्लेंडिंग इट। ये देखिए, डोंट वरी अबाउट दिस फॉल आउट, इसको आप इजीली कंसीलर से क्लीन कर सकते हैं बाद में। अभी मैंने जैसे ही कलर इसको डिपॉजिट कर लिया है विथ दिस फ्लफी ब्रश अगेन मैं इसको ब्लेंड करूंगी टू रिमूव दैट हार्श लाइन जो मेरे क्रीज पे क्रिएट हुआ है। अच्छे से विंडशील्ड मोशन पे मैं इसको ब्लेंड करूंगी एंड देन लास्टली ये जो एक शेड है ये शिमरी विथ अ लाइट ग्रीन अंडरटोन, उस शेड को मैं विथ द हेल्प ऑफ अ फिंगर, क्योंकि ये थोड़ा सा शिमरी शेड है तो ये फिंगर से बहुत ज्यादा पिकअप अच्छे से होगा, उसको मैं इनर कॉर्नर पे डिपॉजिट करूंगी। ये मैंने इनर कॉर्नर पे डिपॉजिट किया है एंड लास्टली ये जो एक शिमरी शेड है उस शेड को मैं एक छोटा सा ब्रश के हेल्प से इनर कॉर्नर पे ही डिपॉजिट करूंगी ऑन टॉप ऑफ द जो मैं शिमर शेड फिंगर से लगाई थी, फॉलोइंग माय नेचुरल क्रीज लाइन। अगेन मैं फ्लैट ब्रश से इसको ओवरऑल ब्लेंड करती रहूंगी अंटिल कोई भी हार्श लाइन दिखे।
ये मैंने सारे कलर्स डिपॉजिट कर ली हूँ. अभी मैं इनर कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडेशन एंड अ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश या फिर कंसीलर से भी क्लीन आउट कर. सो यहाँ पे मैं एक कंसीलर ले ली हूँ एंड विद दैट कंसीलर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगी सेम इस आई में भी, सो दैट एक क्लीन लाइन ड्रॉ हो जाए. एंड आप इसको विद द हेल्प ऑफ एनी यू नो मेकअप रिमूविंग वाइप्स भी क्लीन. सो मैं मेरे आईज के जो आउटर वी एरिया है ये एरिया मैं क्लीन कर ली हूँ एंड कंसीलर से अच्छे से क्लीन कर ली हूँ. नेक्स्ट इज आई लाइनर एंड मस्कारा. आई लाइनर के लिए आप कोई भी ब्लैक आई लाइनर ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ब्लू हेवन का एक शिमरी ब्लैक आई लाइनर, ऐसा सेम मेरे पास एक ब्राउन भी है वो भी यूज कर सकते हैं, बट ब्लैक वाला आई थिंक इसके साथ ज्यादा अच्छा जाएगा. ये ब्लैक आई लाइनर से मैं बहुत हल्के हाथों से एक विंग वी क्रिएट करूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ माई आई बॉल टू द इनर. मैं देखिए ऐसे वी क्रिएट किया, मैं अंदर तक नहीं क्रिएट की हूं, जस्ट हाफ ऑफ माई आई बॉल. सेम इसी आई पे भी सेम मैं ये वाला आई पे भी एक यू नो हाफ आई लाइनर ड्रॉ की हूँ एंड विद द फ्लफी ब्रश. ये जो शार्प एंड है ना सामने आई लाइनर के, इसको मैं मर्ज कर दूंगी विथ माई एक्चुअल वॉटर लाइन बहुत हल्के से एंड एज सिंपल काजल भी. लेकिन काजल मैं पूरे मेरे लोअर वॉटर लाइन से बाहर की तरफ इसको पहन लूंगी मर्जिंग विद द विंग, आप देख सकते हैं. एंड टू एंड सेम मस्कारा, कोलोसॉल का ये मस्कारा इज वेरी गुड. आप फॉल्सीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फॉल्सीज नहीं लगा रही हूं आज, मस्कारा इज इनफ मेरे लिए फॉर दिस लुक. सो ये रहा मेरा ओवरऑल लुक जो मैं इस पैलेट से. ये है मेरा फर्स्ट आई लुक, एक स्मोकी ग्रीनिश आई लुक मैं जो क्रिएट की हूँ विद द हेल्प ऑफ अ मेबलिन जंगल पैलेट. कैसा लगा ये लुक आप जरूर ट्राई कीजिए घर पे एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट. सो जो सेकेंड लुक मैं क्रिएट करूंगी इस पैलेट से वो बहुत ही एक सिंपल यू नो हेलो काइंड ऑफ लुक, नॉट टू डार्क, क्योंकि लास्ट लुक जो फर्स्ट लुक आप देखे वो एक स्मोकी आई है तो वो बहुत ही डार्क एंड डार्क कलर से यू नो डार्क शेडी आई होता है. ये वाला आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी लो एंड सिंपल. सबसे पहले मैं ये शेड से ये लाइट वाला शेड लूंगी एंड इसको सेम प्रोसेस में फ्रॉम माय आउटर आई डैबिंग इट डिपॉजिट कर रही हूं कलर को एंड मैं उतना ऊपर तक नहीं जाऊंगी, जस्ट इन माय क्रीज लाइन उससे थोड़ा सा ऊपर उसको मैं विंडशील्ड मोशन से विंडशील्ड स्वाइपिंग मोशन से इसको बहुत अच्छे से डिपॉजिट करूंगी. सेम ड्रॉपिंग द मैक्सिमम कलर एट द इनर कॉर्नर एंड इसको विंडशील्ड स्वाइपिंग मोशन से अंदर की तरफ. देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपने यू नो क्रीज लाइन को हाईलाइट कर लिया है एंड नेक्स्ट विल बी वेरी सिंपल. ये वाला जो शिमरी शेड है उसको मैं विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर मेरे हाफ ऑफ द आई बॉल कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लोअर अपर इनर कॉर्नर
मैं कलर को डिपॉजिट करूंगी, क्योंकि ये एक शिमरी कलर है, शेड है, तो ये एक्चुअली फिंगर से ही अच्छे से डिपॉजिट होता है। एंड नाउ मैं एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से ये जो हार्श लाइन है उस हार्श लाइन को मैं ब्लेंड कर लूंगी। ये देख सकते हैं ये शेड फिंगर से मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर को ज्यादा डेप्थ करके लगाई हूँ, सो अलग से मेरे को इनर कॉर्नर हाईलाइट करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड टू कंप्लीट दिस लुक मैं एक अगेन एक ब्राउन कलर का आईलाइनर लूंगी, उससे मैं सिर्फ अपने लोअर लैश लाइन पे ही विद अ वी मैं दिखाती हूँ आपको वैसे ही यूज लगाऊंगी। ये मेरा पॉट है ब्राउन आईलाइनर का एंड मैं एक सिंपल आईलाइनर ब्रश के हेल्प से फ्रॉम इनर कॉर्नर ऑफ माय आई इसको मैं बाहर की तरफ अपर वी यू नो मैंने इसको विंग कर दिया। डोंट वरी उतना हार्श विंग मैं रखूंगी नहीं, ये देखिए मैं दोनों तरफ से थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड की हूँ। एंड देन विद कोई भी ब्रश, मतलब एक शेडर ब्रश हो या वो सेम फ्लफी ब्रश से इसको मैं थोड़ा सा डाइल्यूट कर दूंगी विथ माय इनर वी। सो देखिए मैं इसको उतना हार्श अभी और है नहीं, यही मैं इसको यू नो डाइल्यूट कर दी हूँ विद द हेल्प ऑफ ए फ्लफी ब्रश। मैं इसको और थोड़ा सा डाइल्यूट करूंगी दोनों तरफ से एंड विद दैट ये आई लुक कंप्लीट होता है। एंड आई लुक कंप्लीट होगा बट विद द लास्ट स्टेप, दैट इज मस्कारा। सो ये है मेरा बहुत ही सिंपल यू नो एक ही शेड है बट कितना सुंदर कोहेसिव एंड अ लिटिल बिट ऑफ शिमर भी है आईज के लिए। ये आप कोई भी आफ्टर ऑफिस पार्टी हो या फिर कहीं पे आपको जाना है तो ये आई लुक इजीली आप कैरी कर सकते। एंड इस लुक को मैं कैरी की हूँ एक यू नो डार्क ब्राउन ब्राउन अंडरटोन शेड का रेड लिपस्टिक से। आप इसके साथ कोई भी न्यूड लिपस्टिक भी रख सकते हैं। मैं आई को बहुत लाइट रखी हूँ इसीलिए थोड़ा सा ब्राइट लिपस्टिक। एज आई सेड आफ्टर ऑफिस आपको अगर कहीं पे जाना पड़े, ये मैं एक फॉर्मल शर्ट ही पहनी हुई हूँ तो जस्ट ये पैलेट आप इस मतलब हैंड बैग में रख ले एंड इसको कैरी करें आप जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर भी इसको आप ये लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट लुक मैं जो इस पैलेट से क्रिएट करूंगी। जो लुक मैं इस पैलेट से क्रिएट करूंगी वो लुक काइंड ऑफ मेरे इस फ्लोई ग्रीन एंड न्यूड कलर का ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जाएगा। मैं ग्रीन आई लुक क्रिएट करूंगी। इस पैलेट से फेस्टिव लुक भी क्रिएट होता है बट आज मैं फेस्टिव लुक नहीं दिखाऊंगी। मैं एक नॉर्मल ग्रीन आई लुक कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मैं ये वाला कलर जो है ये वाला कलर मैं पिकअप करूंगी विद अ यू नो फ्लफी ब्रश एंड इसको मैं अपने आउटर वी पे डिपॉजिट करूंगी यहाँ पे एंड हल्के हाथों से मैं इसको अंदर की तरफ लूंगी, बहुत ही हल्के हाथों से। अगेन दूसरे आई के लिए मैं इसको यहाँ पे पिकअप करूंगी, डिपॉजिट करूंगी एंड देन हल्के हाथों से इसको अंदर की तरफ लूंगी। ये देखिए हल्का हल्का ग्रीन शेड जो डिपॉजिट हो गया है, दैट सीम्स क्वाइट एनफ फॉर दिस लुक। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसको और थोड़ा सा इंटेंसिफाई करूँगी। सो ये हो गया डिपॉजिट, देख सकते हैं। एंड एकदम इनर कॉर्नर के लिए मैं ये डार्क वाला जो ग्रीन शेड है
ये डार्क वाला ग्रीन शेड लूंगी। अगेन आप इसको कोई फ्लैट ब्रश से भी ले सकते हैं, ये वाला ब्रश ना इसके साथ ही आता है, तो आई एम यूजिंग, ये काफ़ी अच्छा ही ब्रश है, मैं आई एम यूजिंग दैट ब्रश एंड मैं इसको इसी ब्रश के हेल्प से पिकअप करके आई एम डिपॉजिटिंग ऑल ओवर माई आई बॉल एरिया। डोंट वरी, मैं इसको बाद में ब्लेंड भी कर दूंगी। अगेन देन मैं इसको एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करूंगी। ये देखिए बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है एंड अभी ये बहुत ही डार्क, यू नो, आई सॉकेट है एरिया पे बहुत डार्क कलर है, सो मैं ये वाइट वाला कलर, यू नो, कलर लूंगी। इसको विद द हेल्प ऑफ ए फैन ब्रश मैं अपने आईब्रो को हाईलाइट करूंगी। ये देखिए काफी हाईलाइट हो गया एंड विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल, यू नो, शेडर ब्रश मैं अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूंगी। सी एक ग्रीन अंडरटोन एंड डार्क शेड में भी बहुत अच्छा जा रहा है इस यू नो आउटफिट के साथ। आपके पास भी ऐसा कोई यू नो ग्रीनिश आउटफिट है, वेस्टर्न आउटफिट, तो ये लुक बहुत अच्छा जाएगा। अभी इसको फिनिश ऑफ करेंगे ये विथ बहुत थोड़ा सा काजल एंड विदाउट आईलाइनर। आप चाहे तो पहन सकते हैं बट मुझे तो नहीं लगता इस लुक में आईलाइनर अच्छा लगेगा। सो मैं यूजुअली ब्राउन आईलाइनर यूज करती हूँ लोअर लैश लाइन पे। इसके साथ मैं ब्लैक आईलाइनर, ये ब्लैक आईलाइनर को मैं लोअर वाटर लाइन को एक्सटेंड करते हुए सी एंड अभी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश इसको मैं थोड़ा सा स्मोक आउट करूंगी। सी थोड़ा सा स्मोक आउट की हूँ ये साइड थोड़ा सा एंड सो विद दिस आप देख सकते हैं ये लुक कंप्लीट है एंड मस्कारा भी लगा लीजिए आप। मैं यहाँ पे अगेन दिस कोलेसॉल मस्कारा यूज करूंगी। आप फॉल्सीज भी लगा सकते हैं। तो ये था मेरा थर्ड लुक विद दिस मेबलिन पैलेट। ये बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है मैं कहूँगी, छोटा सा है बट फुल ऑफ यू नो डिफरेंट कलर्स। दो यहाँ पे कलर्स आपको 5 to 6 ही कलर्स हैं यहाँ पे, बट इस 5 to 6 कलर से आप बहुत सारा आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको 3 आई लुक वेरी सिंपल वे में दिखाई हूँ। वो यूजुअली आप कहीं जा रहे हैं तो मतलब बीच वगैरह घूमने, तो जस्ट एक ये सिंपल पैलेट को कैरी कीजिए, यू विल बी गुड टू गो फॉर 3 to 5 डेज यूजिंग दिस पैलेट।
एंड ऑल्सो इससे आप और भी वेरियस लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. मैं तो आपको जस्ट 3 ही लुक शेयर की हूँ, वो भी वेरी सिंपल लुक्स. प्लीज़ ट्राई दीज लुक्स एंड डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि ये आपने ट्राई किया है और मैं कौन कौन से पैलेट पे आपका आपके लिए वीडियोज़ बना सकती हूँ. ऑल्सो सजेस्ट दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑलरेडी मैंने इसके पहले और एक अफोर्डेबल पैलेट के ऊपर 3 लुक्स क्रिएट किए हैं. आपने अगर नहीं देखा है तो वो उस वीडियो का मैं लिंक आई बटन पे डाल दूंगी. यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिए या फिर इसको पॉज करके जाके उसको देख कर आइए. और एक पैलेट के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी. सो कीप कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई अपकमिंग वीडियो.